तैयार रखा है। मम्मी जी मेरा फोन है। लो, एक तो इस फोन ने जिंदगी खराब कर रखी है आजकल के बच्चों की। ले पकड़। किराया कितना है घर का? तुम्हें इससे क्या लेना? चुप रहो। हाँ कितना है? 40,000 है मम्मी जी। बताओ 40,000 तो घर का किराया किराया है, राशन पानी बिजली से अलग क्या लगता है जोड़ पाएंगे कुछ जिंदगी में? तुम्हें क्या लेना? चुप रहो। ये महक कैसी आ रही है बहू? वो मम्मी जी फिनाइल की महक है, अभी पोछा लगाया है ना। लो 11 बजे तो पोछा लगाया, पता नहीं उठते कब होंगे। अभी यही सब पूछती रहोगी या चाय पानी भी लोगी? अरे चाय पानी तो तब लूंगी ना जब कोई पूछेगा। मम्मी जी पानी। हाथ पीछे, ये क्या तरीका है पानी पूछने का? क्या हुआ मम्मी जी? खाली पानी पियेंगे तो पेट में चुभेगा नहीं। मैं एक मिनट में आई। इसलिए कह रही थी कि गाँव की लड़की देखो शादी के लिए, पर नहीं उसने कहा तुमने मान लिया। लेकिन शुरू से चुप रहो, शुरू शुरू में सब सीधे होते हैं। मम्मी जी लो शुगर के मरीजों के लिए रसगुल्ले उठा के ले आई। एक खाने से कुछ? चुप रहो, खबरदार एक भी रसगुल्ला उठाया तो खुद तो खा लोगे और फिर बाद में मुझे परेशान करोगे। कुछ और ले आओ मम्मी जी। और क्या है? एक मिनट में आई। कहीं भी मीठा देख के फिसल मत जाया करो। अरे लेकिन चुप रहो। मम्मी जी मट्ठी मेरी मम्मी ने बनाई है, खा के देखिए। पुराने तेल में बनाई होगी तेरी माँ ने? नहीं मम्मी जी नए तेल में बनाई है। फिर पुरानी बनी रखी होगी। पुरानी हो या नहीं तुम्हें? चुप रहो। तुम्हें पता भी है इस मट्ठी को खाने से हैजा हो सकता है? पर ये तो रोज खाते हैं। वो खाता है, तू क्यों नहीं खाती? मुझे पसंद नहीं है ना। बहू तुम ये सब छोड़ो, तुम चाय बना। चुप रहो, पी थी ना पिछली बार चाय, शुगर 270 पहुँच गई थी। अरे लेकिन चुप रहो। तू फोन लगा उसे, कब आएगा वो? आ जाएंगे 7 बजे तक। 7 बजे तक? हमें तो कह रहा था हाफ डे में आ जाएगा। मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब वो कहाँ है? वो? अरे वो? वो क्या मम्मी जी? गुसल खाना कहाँ है? वो रसोई के सामने है। रसोई के सामने गुसल खाना? राम 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 राम, खाने के सामने पैखाना, पैखाने के सामने खाना, और ये इस घर का 40,000 दे रहे हैं, कुछ बोलोगे? मैं तो कह रहा था। चुप रहो बहू, इसकी आदत है थोड़ी थोड़ी बात। मम्मी जी। अरे तुम तो गिर गई। चुप रहो। अरे मुंह पे उंगली रख के क्या खड़े हो, उठाओ मुझे। और तू फोन मिला उसको, अस्पताल लेके चलो मुझे। मम्मी जी मेरा फोन तो अंदर है, मैं लेके आती हूँ। छिलका दिखाने तुम्हें? चुप रहो। मम्मी जी मैं फोन ले आई। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रही है, लगाओ उसे। एक बार अच्छी नौकरी मिल गई ना। अरे क्या है, अब काम करूं या तुम्हारा फोन उठाऊं? काट दिया मम्मी जी। अरे तो फिर से लगा। सबसे पहले ये नौकरी छोड़ूंगा, नहीं पहले छुट्टी लूंगा, 20 दिन छुट्टी में ऐश करूंगा, उसके बाद नौकरी करूंगा। कोई हो पहले काम करूं या तुम लोगों से बात करूं? ज्यादा तुम लगे। चुप रहो। मम्मी जी अब तो उठा ही नहीं रहे। अरे तो खड़ी खड़ी मुंह मत देख, हाथ लगा उठाओ।